नमस्कार दोस्तों, आर ड्रीमर व्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज का ये व्लॉग तीन धाम को लेकर है जहां पर हम यात्रा करने जा रहे हैं। सारासर बालाजी, बालाजी सफर काफी रोमांचक होने जा रहा है और आप देखेंगे कि चारों तरफ पहाड़, रेगिस्तान और सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। हम पहुंच चुके थे मुंबई एक्सप्रेस वे पर, बहुत ही शानदार और बहुत बेहतरीन बना हुआ है। यहाँ दिल्ली से बालाजी जाने में मैक्सिमम 2 से 2.5 घंटे लगते हैं। हम पूरा टोल का एंजॉय करते हुए पहुंच चुके थे बालाजी धाम पर। सुबह का टाइम था, काफ़ी भीड़ लगी हुई थी वहां पर और हमने बहुत श्रद्धा से बालाजी धाम के दर्शन करे। जैसे ही आप अंदर पहुंचेंगे तो आपको एक अलग सी पॉजिटिव एनर्जी दिखाई देगी, महसूस होगी। काफ़ी कुछ ऐसा देखने को भी मिलेगा जो आप देख रहे दंग रह गए। ये इसका फ्रंट गेट है बालाजी धाम जी का और देखिए लाखों हजारों श्रद्धालु यहाँ पर डेली आते हैं अपनी अपनी मुराद लेकर, और काफ़ी लोगों की मुरादें यहाँ पर पूरी भी होती हैं। इसी तरीके से हम पहुँच चुके थे बालाजी धाम के मेन गेट पर और आप सामने देख रहे हैं बालाजी बिल्कुल सामने हमें दर्शन दे रहे हैं और भक्तों के सारे कष्ट हट जाते हैं और वो अपनी जो भी मुराद यहाँ पर लेके आते हैं वो ज़्यादातर पूरी होती है। सभी श्रद्धा भाव से निकलते हैं यहाँ से और उसके बाद फिर अपने काम में लग जाते हैं। हमने भी कुछ ऐसे ही किया, यहाँ पर घूमे, इंजॉय किया और उसके बाद फिर आगे की राह पकड़ ली। काफ़ी सारी चीज़ें आपको ऐसी मिलेंगी यहाँ पर देखने के लिए जो आपको जनरली नहीं देखी जाती, जैसे कि राजस्थान का पहनावा, खाना। यहाँ पर से हमने पकौड़े लिए और जलेबियों का स्वाद लेते हुए आगे बढ़ गए। काफ़ी अच्छी टेस्टी जलेबियाँ थी यहाँ पर और छोटा भाई जो है लड्डू खाता हुआ। बच्चों ने भी काफ़ी इन्जॉय किया यहाँ पर, क्योंकि जिस होटल में हम रुके हुए थे वो काफ़ी अच्छा था। वहाँ पर झूला और पार्क सभी कुछ था। सफ़र में चलते चलते अब हम पहुंच गए थे खाटू श्याम जी के मंदिर। कुछ ही देर में हमें दर्शन होने वाले थे खाटू श्याम जी के और बहुत ही सुंदर यहाँ का मौसम था, हल्की हल्की धूप थी। फिर हम पहुँचे पार्किंग में और पार्किंग में से आगे का सफ़र मैं आपको अब आगे दिखाता हूँ। यह खाटू श्याम जी का मेन गेट है और यहाँ से चलते चलते हम कुछ ही दूर में पहुँचने वाले हैं खाटू श्याम जी के मंदिर के अंदर, और आपको भव्य दर्शन करते हुए आपको कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी, इतना बड़ा पंखा जो आपने शायद कहीं देखा होगा। और ये हम खाटू श्याम जी के सामने बिल्कुल पहुँच गए हैं, मंदिर के दर्शन होने वाले हैं बस। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब हम जा रहे थे सारासर बालाजी। थोड़ी देर में बस अब हम पहुंचने वाले थे होटल में, इन वादियों में से निकलते हुए। बहुत ही बेहद सुंदर दृश्य। और ये मैं हूँ। बच्चे एंजॉय कर रहे हैं।
तो बताएगा भी क्या 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 है। है तो नहीं कोई फोटो भी खींचे क्या? उधर ठीक है कोई और पूरे दिन से हम थक गए थे, अब टाइम हो गया था हमारा सोने का, तो अब सब के सब सोने जा चुके थे। और देखिए सुबह का मौसम, छोटा बच्चा, कबूतर का बच्चा है ये जो आप देख रहे हैं। हम जा रहे हैं सालासर बालाजी, सारे रेडी हो चुके हैं वहाँ पर, सब रेडी हो गए हैं जाने के लिए, लिफ्ट आ रही है। और अब वक्त हो गया था कुछ हल्का फुल्का नाश्ता करने का, और सारी टीम और सारे सदस्य पहुँच चुके थे नाश्ते की टेबल पर। अब देखते हैं ब्रेकफास्ट में हमें क्या क्या मिला है। भूख भी काफ़ी लगी थी, सुबह का टाइम था, चाय की चुस्कियों के साथ में हमने यहाँ से ब्रेकफास्ट खाना शुरू किया। तो गाइस अभी हम चल रहे हैं, होटल से निकल चुके हैं, हम जा रहे हैं मैडम सारा सा बालक, और सारे के सारा पूरा परिवार हमारे साथ में है। यहाँ से लगभग आधा एक किलोमीटर के आसपास है। आइए मेरे साथ तोड़ दिखाते हैं आप। कंपू में से उतरने वाले हैं हम, आ चुके हैं सारासर बालाजी, बालाजी धाम, और अब जा रहे हैं मंदिर के दर्शन करने के लिए। ये पूरा है, आपको दर्शन दिखाता हूँ। और फिर मंदिर में दर्शन करने के बाद अब हम निकल चुके थे आगे की तरफ। देखिए कम से कम 10 से 15 लोग हम गए थे, सभी ने बहुत इंजॉय किया। अब सफ़र हो गया था आगे चलने का और घर वापसी का। इसी सफर में जब हम आगे चल रहे थे तो हमें कुछ ऐसा देखने को मिला जो हमने कभी सोचा ना था। आपको आज हम पूरा जंगल दिखाएंगे
कभी ऐसा हुआ है आपके सामने आप जा रहे हैं और आपको हिरन दिख जाए? इतना सब कुछ देखने के बाद में अब बहुत थक चुके थे और अब हम जाना चाहते थे अपने घर, तो हम निकल गए थे राजस्थान से दिल्ली की तरफ। और इतना मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें हमने बहुत इंजॉय किया। आपको अगर ये वीडियो और व्लॉग्स अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।